चलो तुम्हें लेने आया। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। और तुम जो करना चाहते हो वो करने नहीं दूंगी। तुम माँ चुपचाप घर जाओ और सामान साथ लेके जाना। क्या हो गया आपको? नवेरा की बातों में आ गई? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता और ना ही नवेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। पहले तुम उस घर को अपनाओ, फिर इस घर को अपना समझना। दावर बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बिलावजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है मामी जान, गलती माम की है, जिसने आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। घर चलो माँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और नवेरा के दरमियान क्या चल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और नवेरा पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलने पे आया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खामोश हूं। और तुम भी खामोशी से घर चलो। नवेरा से शादी करना चाहते हो ना? शादी करना चाहते हैं ये उससे? हाँ तो तलाक दे दो मुझे, बच्चा भी दे दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटा बेटा देखो, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रही? तुम माम को तलाक दे दो और नवेरा से शादी कर, बच्चा हो जाएगा तो वो तुम्हें खुद दे देगी।